नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनाली। समाजवादी पार्टी हमेशा से ही चुनावों से पहले बीजेपी के सफाई की बात करती है, लेकिन रिजल्ट जब भी आते हैं उनका कहना गलत हो जाता है। लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में कमी नहीं आती। एक बार फिर से सपा की तरफ से ऐसा ही बयान दिया गया। इस बार सपा प्रमुख के चाचा ने कुछ ऐसा कहा है जो सपा के ओवर कॉन्फिडेंस का एक तगड़ा एग्जाम्पल है। इस रिपोर्ट में देखिए। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल सिंह यादव ने एक बार फिर बीजेपी के खिलाफ कुछ ऐसा बोला जो पहले भी सपा कई बार कह चुकी है, जैसा कि 2022 के चुनावों में। अब शिवपाल ने सैफई में कहा कि सांसद डिंपल यादव के खिलाफ भाजपा नेताओं द्वारा लगातार की जा रही छींटाकशी को वो 99 बार तक तो माफ करेंगे, उसके बाद बर्दाश्त नहीं करेंगे। और अब स्थिति बर्दाश्त से बाहर हो चुकी है। बीजेपी के खिलाफ सड़क से लेकर संसद तक लड़ाई लड़ी जाएगी। उत्तर प्रदेश में सत्तारूढ़ भाजपा और मुख्य विपक्षी दल सपा के बीच सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणियों को लेकर एक दूसरे के नेताओं के खिलाफ मामला दर्ज कराए जाने के बीच शिवपाल ने ये टिप्पणी की। उन्होंने कहा, बीजेपी को घेरने का काम करेंगे और बहू डिंपल के खिलाफ एक शब्द भी बर्दाश्त नहीं होगा, इसलिए अब लड़ाई सड़कों से लेकर संसद तक लड़ी जाएगी। शिवपाल ने दावा किया कि 2024 के आम चुनाव के बाद बीजेपी का सफाया हो जाएगा। सरकार की गलत नीतियों के कारण देश में महंगाई बेरोजगारी बढ़ी है, किसान परेशान है और भ्रष्टाचार का बोलबाला है। उल्लेखनीय है कि समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने बीजेपी युवा मोर्चा की सोशल मीडिया प्रभारी ऋचा राजपूत के खिलाफ हजरतगंज थाने में FIR दर्ज कराई थी। बता दें कि महाभारत के प्रसंग में जिक्र किया गया है कि शिशुपाल को ऐसा वर मिला था कि उसको सिर्फ भगवान श्री कृष्ण ही मार सकते हैं। ऐसे में शिशुपाल की मां ने कृष्ण से उसे न मारने की गुजारिश की थी। इस पर भगवान कृष्ण ने शिशुपाल को वचन दिया था कि वो उसकी 100 गलतियां माफ कर देंगे। ऐसा हुआ भी। शिशुपाल की 100 गलतियां पूरे होने तक भगवान कृष्ण ने उसका वध नहीं किया, लेकिन फिर भी जब वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो श्री कृष्ण ने उसका वध कर दिया था। सपा कार्यकर्ता इसी प्रसंग को जोड़ते हुए शिवपाल के बयान की तुलना भगवान कृष्ण के दिए गए वचन से कर रहे हैं। ये कोई पहली बार तो नहीं है जब सपा ने चुनावों में बीजेपी का सफाया बताया हो। इससे पहले भी कई बार सपा ने ऐसे दावे किए हैं। 2022 में किसका सफाया हुआ ये सब ने देखा। आगे 2023 में किसका सफाया होगा ये देखना अभी बाकी है। सपा के दावों में कितना दम है ये देखना अभी बाकी है। इस रिपोर्ट में मेरे साथ इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।